मिश्कत की बन गई जोड़ी। काव्या और अधिराज संग सैर सपाटा, शुरू हुई मस्ती की पाठशाला। अपने शो काव्या के प्रमोशंस के लिए सुम्बुल और मिश्कत पहुंच गए हैं कानपुर और लखनऊ करने शो का प्रमोशन। और इस सफर में हम सफर बना है सास बहू और बेटियां। और देखिए तो कैसे यहां पर शुरू हो गई है मस्ती अनलिमिटेड। ये पहली बार है जब मिश्कत और सुम्बुल एक साथ काम कर रहे हैं और सीरियल में इनकी जोड़ी बनी है, लेकिन बिहाइंड द सीन भी इनकी फ्रेंडशिप वाली केमिस्ट्री है एकदम कमाल। देखिए तो कैसे ये इस सैर को कर रहे हैं खूब एंजॉय, कर रहे हैं शॉपिंग, खा रहे हैं पानी पूरी और साथ ही साथ लगा रहे हैं नच का तड़का भी। तो चलिए हम भी इस ट्रिप के देखते हैं सभी नज़ारे मिश्कत और सुम्बुल के संग। तो भाई सुम्बुल और मिश्कत ने बताया अपने अपने किरदारों के बारे में और इस सीरियल में क्या कुछ है खास, आइए इनसे जानते हैं। मैं तो लेकर आई हूँ काव्या। एंड काव्या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत ज़्यादा मतलब एक ओपिनियनेटेड लड़की है। एंड वो उसकी एक सोच है, काव्या मतलब एक अलग सोच है उसकी जो वो चाह रही है, जो चेंजेस लाना चाहती है देश में या अपने सराउंडिंग्स में। जो उसके साथ एक हादसा होता है उसके बचपन में जिससे वो डिसाइड करती है कि नहीं अब मुझे IAS बनना है, ताकि वो जो देश के यू नो आम आदमी होते हैं उनके लिए जो दरवाजे बंद हो जाते हैं वो ना हो कभी भी, उनकी वो जितनी हेल्प कर सकती है वो करे। एंड वो तभी कर सकती है जब वो एक सेवक बने उनके लिए। तो वो एक IAS मतलब IAS बनती है वो। तो वो उसकी जर्नी है मेन कि वो अपने सपने कैसे पूरे करती है, उसके पापा के सपने, उसकी पूरी फैमिली जो जिस हादसे से पूरी गुजरी है उससे उभर के वो इतना स्ट्रॉन्ग वुमेन है एक। हाँ, मेरा शो में नाम है अधिराज एंड मैं भी एक IAS एस्पिरेंट हूँ। यहाँ पे मेरी मुलाकात काव्या से इधर ही होती है IAS अकेडमी में एंड हमारे इंटरेक्शंस होते हैं यहाँ पे। एंड अधिराज बेसिकली इन मैनी वेज इज़ वेरी सिमिलर टू काव्या, उसकी सोच काव्या से बहुत मिलती है। वो चाहता है कि एक औरत हमेशा मर्द की इक्वल रहे, उसके लिए बहुत बेसिक बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए उन्हें इक्वल होना ही चाहिए। एंड वो काव्या को हर चीज़ में सपोर्ट करता है और ख़ुद वो एक्चुअली इस शो में काव्या से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो उस बात के लिए बात को लेकर बहुत ही कैजुअल है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक लेज़ी जीनियस टाइप का इंसान है। और हाँ, ये बेसिक जिस्ट है मेरे कैरेक्टर का। मैं एक्चुअली जेन्युइनली बोलूँ तो मैं कुछ चैलेंजिंग चाह ही रही थी, मैं ये नहीं चाह रही थी कि चलो अभी कुछ वही करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं, नहीं। तो जब मुझे पहली बार इसकी स्टोरी पता चली थी तभी मुझे लगा था कि नहीं यार ये करना है, बिकॉज़ ये बहुत डिफरेंट है, कैरेक्टर बहुत अलग है, जैसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया है। तो मेरे लिए चैलेंजिंग बहुत था, मुझे बहुत पढ़ना पड़ता एंड बहुत सारी चीज़ें थी कैरेक्टर के भी उसमें कि वो किस तरीके से बात करेगी, बिकॉज IAS ऑफिसर मतलब बहुत जीनियस लोग होते हैं, मैं कहीं भी नहीं हूँ आसपास तक, कम से कम वैसा दिख जाना, उतना भी कर लिया तो मतलब वो बहुत अच्छी बात है। तो ऑफकोर्स चैलेंजिंग था, इसलिए था कि ये करना है। जीनियस टाइप का लड़का है और मैं बिल्कुल भी जीनियस नहीं हूँ एंड IAS है मेरा, दूर दूर तक IAS से कोई लेना देना नहीं है। एंड हाँ, ये एक इवन दो इज़ अ स्टूडेंट, उसमें बहुत मैच्योरिटी है, उसने लाइफ देखी है, उसके घर में भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ऐसा है। तो वो सब अपने आप अंदर रखना, इट हेल्प्स यू परफॉर्म बिट डिफरेंटली एंड प्लस वर्किंग विद अ वेरी फाइन को एक्टर हु इज़ वेरी अनअवेयर कि वो कितनी अच्छी एक्टर है। तो आई थिंक वेन यू हैव समवन हु इज़ रियली जेन्युइनली अ गुड एक्टर तो आपका परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है। मुश्किलें तो होती है, कुछ सीन ऐसे थे हमारे एक्सटीरियर के सीन से, गर्मी बहुत थी, बारिश हो रही थी, लेकिन बंदर भी हमारे साथ मस्त चल कर रहा है वो वहाँ पे छत पे, मतलब गर्मी तो बहुत है क्योंकि बारिश हुई थी एंड इतना सबसे हो गया, अभी भी बहुत गर्मी है। निडर लोग होते हैं, सबसे निडर, किसी से नहीं डरते बंदर। लेकिन हमने जो भी शूट किया है बहुत अच्छा निकला है, हमने देखा है एंड होपफुली ऑडियंस को भी पसंद आया। गर्मी में लिटरली ऐसा हो रहा था ना कि अभी जब लोगों जब हमारी ये हालत हुई है, हमारी जो दुर्दशा हुई है ये हमारी, तभी जब हम वही ग्राउंड में धूप में एकदम सुबह 11 बजे भाग रहे थे और हम लोग ऐसे, हम इसका तो ये तो बह रहा था पूरा पसीना, मतलब भीगते तो पसीना देखो निकलता ही नहीं, ऐसे बहुत निकलता है, जब निकलना शुरू हुआ सबको मैंने हरा दिया। लिटरली मैंने इतना पसीना, ये आ कहाँ से रहा है इतना पसीना। और एक मैं चल रही हूँ, मेरे को यूजुअली ज़्यादा पसीना नहीं आता, लिटरली कानपुर में आने के बाद जो मेरी मैं कॉस्ट्यूम पहन रही हूँ वो जो गीली होनी चालू हुई है पसीने से और जो मेरा रंग बदलना चालू हुआ है,
क्या बोलूँ अभी मैं. हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि लिटरली मतलब एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही है हमारी. हम भी कितना भागे हैं. बहुत बहुत. मैं तो बहुत ही भाग रही हूँ, हर जगह भाग रही हूँ. उस गेम में काव्या ने मुझे, सुम्बुल ने मुझे हरा दिया. और कैसा लग रहा है आपको मुझसे हार के? कितनी चौथी बार? माइंड ब्लोइंग लग रहा है वो, तो मैं बाद में बताता हूँ. मेरी यादें स्कूल से तो बहुत ही कुछ. स्कूल मतलब मेरे लिए एग्ज़ाम्स ही होते थे, और एग्ज़ाम्स मेरे लिए ट्रॉमेटिक होते थे. कि मैं जितना मर्जी पढ़ाई करूँ हमेशा फेल ही होना था मुझे. इसलिए स्कूल मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, पढ़ाई लिखाई मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है. तो स्कूल मतलब पढ़ाई मुझे डोंट लाइक. मैं पढ़ाई में मैं भी कुछ खास नहीं थी कभी. मैथ्स में मैं अच्छी थी. रुक जरा बोलना नहीं कुछ. मैथ्स में मैं अच्छी थी बट फॉर अ मतलब एक वक्त तक. मतलब अभी मुझे टेंथ पास किया, अभी कितना टाइम हो गया है तुझसे ज़्यादा नहीं पर हो गया ना बहुत टाइम. सो आई डोंट रिमेंबर एवरीथिंग बट एट दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर. नो तो मैंने रटा होगा ना. वेरी बेसिक क्वेश्चन शी डिडंट नो. नो इट्स ओके. यू डोंट नो पाइथागोरस थ्योरम यार. नो 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 नो. डू यू नो पाइथागोरस थ्योरम? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? दिस इज इक्वल टू दैट. एंड व्हाट दिस व्हाट? लेट्स नॉट. नहीं जाते ना उसमें, छोड़ देना. हाँ तो हम उसमें नहीं जा रहे. एग्जैक्टली. तो एक पॉइंट तक मैं बहुत अच्छी थी मैथ्स में. फिर मेरा एकदम ऐसा हिंदी इंग्लिश मेरा फेवरेट हो गया. वो मुझे अच्छे से आती है वो. मेरा भी वही फेवरेट था. जब दिमाग लगाना होता वो मेरा फेवरेट है. रट्टा मार के लिखो. मेरी हिंदी एक्चुअली सबसे मेरे लिए बहुत आसान था बिकॉज मेरे मैं एमपी से हूँ क्योंकि. तो एमपी का इज प्रॉपर हिंदी भाषा. वहाँ पे बहुत साफ हिंदी बोली जाती है. एंड लिखने में भी लिखावट एंड बोलना वो सब. तो मेरा हिंदी लिखना भी एकदम करेक्ट रहता था हमेशा एग्जाम में मात्रा वगैरह. मैं तो बहुत हिंदी अच्छी मेरी. थैंक्स. वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन यार. आई थिंक हम मुंबई के रहने वाले हैं. तो जब हम यूपी में हैं और ये हिंदुस्तान का हार्टलैंड है तो यहाँ मालूम पड़ता है कि हम एक्टर्स की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, कितना इंपॉर्टेंस मिलता है. बॉम्बे में तो आई थिंक, मुंबई में तो आई थिंक एवरी सेकेंड पर्सन इज़ एन एक्टर. तो वहाँ पर तो खो जाते हैं शायद, लेकिन यहाँ के मालूम पड़ता है कि वैल्यू क्या होती है यहाँ पे. अभी तो बहुत कम लोग मिले जब हम को तो हमें सिक्योरिटी बुलानी पड़ी थी. मैं और हमारे दो एक्टर तो लिटरली जितने ये ना इस तरीके से लेके जा रहे थे ना कि कोई बच्चा आ ही नहीं रहा था. इसके पास ऐसे एक बच्चे ने हिम्मत नहीं करी आने की. ऐसा तो ठीक है ना, काम अच्छे से किया हमने. हाँ हाँ वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. वैसे आपको बता दें कि सीरियल की शूटिंग कानपुर में ही होती है, सेट कानपुर में जो है. और ऐसे में जब इन्हें थोड़ा सा समय मिलता है शूटिंग से तो देखिए कैसे ये सेल्फीज खींचते हैं और करते हैं ढेर सारी मस्ती. शरी होकर सुम्बुल और मिशकत अपने अपने किरदारों में ढल चुके हैं और गोमती नदी के पास पहुंच गए हैं. मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं. हाय, मैं हूं मिशकत वर्मा और आज हम, जैसे कि मैंने कहा, लखनऊ में हैं और आज मिलने वाले हैं हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, सुम्बुल तौकीर खान, AKA IAS काव्या बंसल. हाय सुम्बुल. मुस्कुराइए और थोड़ा, आप लखनऊ में हैं. मैं ऑलरेडी बहुत मुस्कुरा रही हूँ. तो सुम्बुल, आप लखनऊ घूमना चाहेंगी? ऑफ कोर्स. अभी तो हम लोग ऑलरेडी एक जगह आ चुके हैं विच इज़ गोमती रिवर फ्रंट. एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे. गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है पर अच्छा लग रहा है. हवा भी है और गर्मी इसलिए लग रही है, पानी एकदम बाजू में है ना. तो सुम्बुल, हमारा शो कब से शुरू हो रहा है जरा बताइएगा दर्शकों को. हाँ जी, हमारा शो जिसका नाम है काव्या एक जज्बा एक जुनून शुरू हो रहा है 25 सितंबर से शाम 7:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर. मंडे टू फ्राइडे. या मंडे टू फ्राइडे, तो देखना मत भूलिएगा. यस प्लीज. बहुत ही इवेंटफुल डे आज हमारे लिए. हम मीडिया से मिलेंगे आज, शो के बारे में बताएंगे, हमारे शो के बारे में जो उन्हें उन्होंने प्रोमोज देखे. अभी
हमारी हीरोइन की होर्डिंग्स दिखेंगे सब जगह, और काव्या की कहानी के बारे में हमें सुम्बुल बताएगी। तो आज का बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन जाने वाला है हर जगह, एंड हम लोग लखनऊ भी घूमने वाले हैं अच्छे से जितना हम कर सकते, क्योंकि हम जब से शूट कर रहे थे यहाँ पे तब हमको शूट एंड देन फिर रेस्ट करना, तो हमें कहीं पे भी टाइम नहीं मिला कि हम लोग ज़रा सा भी घूम पाएँ कहीं पे, जो जो चीज़ें फेमस है उतनी हम लोग खा पाएँ, इसका नहीं पता मैं खा पाऊँ तो वो नहीं हो पाया अभी तक। तो मैं तो बस उसी के लिए एक्साइटेड हूँ कि आज बस वो खाएंगे। और हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग के 3-4 दिन हमने लखनऊ में शूट किया था, फिर हम लोग कानपुर गए थे शूट करने के लिए, हमने कानपुर में ज़्यादा शूट किया जी। और कानपुर का वेदर ने शुरू में हमारा साथ नहीं दिया, थोड़ी बारिश हुई थी लेकिन हमने फिर भी मैनेज किया शूट करना, लेकिन बारिश के बाद जो गर्मी आई है रंग बदल गए हमारे। हाँ, लेकिन जो भी मज़ा आया हमने हमारा IAS अकेडमी दिखाया वहाँ पे, एंड बहुत ही जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वो बहुत ही सुंदर लोकेशन थी, वो स्कूल था एक, एंड वो बहुत सुंदर स्कूल था, बहुत ही बड़ा एंड बहुत सुंदर, एंड उसका ग्राउंड, ओ माय गॉड, हम लोग वहाँ पे शॉट्स के बीच बीच में क्रिकेट खेल रहे थे वो, एंड हमने खाना तो मतलब जितना हो सका, मैंने पानी बताशा बोलते ना यहाँ पे, तो पानी पूरी, आई लव पानी पूरी, तो मैं सबसे पहले वही चीज़ खाती हूँ, तो मैंने कानपुर में जाके खाई थी एंड मुझे तो सब बहुत अच्छा लगा। एंड इनफैक्ट क्योंकि व्यूअर्स को शायद पता नहीं लेकिन Sumbul can eat. They know you can eat a lot. Yeah, they know. Oh, I didn't know. Yeah, like, you didn't know. Touch wood. Good. Keep eating. हाँ, माशाल्लाह। हाँ, मैं कुछ भी खा सकती जो मेरा मन करे। Touch wood. तू बाहर कर लिया मैंने। Good कर लिया मैंने। कितना हाँ, तो वही हमने कानपुर में बहुत मज़े किए, एंड आज हम फाइनली वापस से आ गए लखनऊ में, एंड आज का दिन हमें मिला है सिर्फ घूमने के लिए, तो मैं तो लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे बस घूमना है लखनऊ में। मैं बहुत टाइम बाद लखनऊ वापस आई हूँ, जब मैं पहले आई थी तब भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला था, आज मैं पूरी कसर पूरी कर लूँगी। फैंटास्टिक, घूमते हैं लखनऊ, लेट्स गो। तो भाई इस सफर में हम सफर बना है सास बहू और बेटियां, और देखिए सुम्बुल और मिशकत ने कितनी सारी बातें हमसे शेयर की, एक दूसरे की पोल खोल की। तो हम गोमती रिवर फ्रंट में थे, एंड आई थॉट कि उसके बाद मैं सुम्बुल को शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार बारिश हो गई लखनऊ में यार, लेकिन मौसम अच्छा हो गया, तो अभी हम लोग जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। लखनऊ एंड एवरीथिंग एंड नाइस, इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, वहाँ पे अलग वो लोग रहेंगे, इसको मतलब ऑफकोर्स मैं मिली ही नहीं हूँ, एंड नया शो है तो उसके लिए एक्साइटमेंट उतना ही ज़्यादा है। तो वैसे ही आज का दिन तो अच्छा जा रहा है, बारिश भले ही हो गई हम शॉपिंग नहीं कर पाए, पर दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अरे तो बता मुझे कोई गाना, बारिश का कोई गाना कौन सा है यार? बारिश के बहुत गाने हैं, तो बता ना। सिंगर आशिकी का गाना तुम ही हो, दैट इज नॉट बारिश रिलेटेड ना, वो है ना एक बरसोरे में का, नहीं नॉट बरसोरे का, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। ग्रेट, फैंटास्टिक, गाया नहीं था, लिरिक्स बोले तूने, तूने गाया। अरे गाना ऐसा ही है, व्हिच वन वर्ड माय कोस्टा सेज द मोस्ट, भक, एंड व्हाट डू आई से द मोस्ट, तू जो सबसे ज्यादा बोलता है मैं बोल नहीं सकती, तू मुझे भक ही बोलता है ज्यादातर, हट, हट, चुप।
नहीं नहीं सबसे ज्यादा मुझे बोलता है मेरे को नहीं देखना है सबसे ज्यादा बोलता है मैं इसको कुछ भी कुछ नहीं देखना मुझे सोने दे मैं इसको कोई भी वीडियो दिखाने के लिए लाती हूँ कि एक बार ये देखना मुझे कुछ नहीं देखना है मतलब ये दिन में 10 बार तो बोलता ही है फिर भी इवेंचुअली दिखा देती है वीडियो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन टॉकेटिव इट्स नॉट फनी बट लेकिन सुम्बुल जब बात करना शुरू करती है शी कैन टॉक नॉनस्टॉप फॉर 45 मिनट्स अगर मैं बोलूं नहीं शट अप तो ये बात करती रहेगी इसका फनी ट्रीट क्या हो सकता है ये ऐसे कभी भी कुछ भी काम करता रहता है उसको कोई भी चीज़ ऐसे मिल जाए ना तो ही मेक्स अ डांस स्टेप आउट ऑफ इट एंड ही डांसेस इन अ वेरी क्यूट आई वोंट से फनी बट टू मी इट सीम्स क्यूट एंड मुझे वो बहुत क्यूट लगता है तो मैं ऐसे वीडियोस बना के रखती हूँ तो उसके व्लॉग में जाने वाला है नहीं व्लॉग में नहीं डालूंगी तो ये मेरी जान ले लेगा ऐसा क्यों कर रहा है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है हाँ क्योंकि मुझे हर बात पे हट हट बैक ये बोलता है इसलिए और इसका ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही करता है ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन होता है ना ये मैं आके बोलूंगी क्यों कर रहा है मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा हट चल बैक मैं करूंगा मैं करूंगा तू क्या कर लेगी ऐसा कौन करता है मैं करता हूं तो ये हमारे फेस तो ये फेस बनाता है मेरे लिए फर्स्ट इम्प्रेशन एक्चुअली हम ऑडिशन पे ही मिले थे ना आई थिंक वो हाय हेलो वाला पहली बार लगा तू इनोसेंट और नाइव है मुझे भी सेम ही लगा था तेरे बारे में तो मैं हाँ तुझे लगता है हाँ सेम पिंच नाइव क्या बोलते हैं उसे रेलिंग होती है तो वहाँ पे हम लोग टिक के उस पर बैठे हुए थे जब हम लोग मेरा क्लोज कर रहे थे तो उस मतलब रेलिंग के ऑपोजिट साइड जाना ज़रूरी है मतलब ये हो नहीं पा रहा था पॉसिबल नहीं था तो हमें बोला कि बस एक्टिंग करने को कि हम बैठे हुए हैं हमें कुछ बैठने के लिए नहीं दिया था तो हम हवा में ऐसा अजीब सा स्कॉट मार के पूरा सीन हम लोगों ने शूट किया और पैर शिवर हो रहा है ऐसे आगे पीछे हल रहे हैं मैं इसके ऊपर मैं खड़ी नहीं रह पा रही थी तो मैंने इसके पैर के ऊपर अपना ऐसे हाथ रख लिया टेका के लिए और मेरा हाथ हिल रहा है उससे ये हिल रहा है सो या आई थिंक दैट वाज वेरी फनी सीन के टाइम में मेरी हंसी नहीं रुक रही थी इट वाज फनी वाजंट प्रोबब्ली नॉट फनी टू हियर दिस बट एक्चुअली वेरी फनी एंड द बेस्ट पार्ट वाज जब हमारा पहला दिन था शूट का हमारा 4:30 बजे का कॉल टाइम था हम 4:30 बजे तैयार होकर अपने होटल के नीचे आए हैं गाड़ी आई हम उसमें बैठे हम निकलने ही वाले थे हम निकल गए हैं रोड पे पहुंचे जस्ट तो जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने पूछा जाना किधर है और मिश्का तैसे देख रहे बोले क्या बोले मुझे नहीं पता तो वो बोलते मुझे भी नहीं पता और हम लोग ऐसा बिना एकदम क्लूलेस तो भाई झटपट से हुई सीरियल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए सुम्बुल और मिश्कत और देखिए सफर के दौरान इन्हें थोड़ा सा समय मिला तो ये पहुंच गए हैं पानी पूरी खाने साथ ही साथ कर रहे हैं लखनवी कुर्तों की शॉपिंग भी दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है हम वापस एयरपोर्ट जा रहे हैं लेकिन जाने से पहले सुम्बुल का बड़ा मन था कि हम थोड़ी चाट खाए स्पेसिफिकली पानी पूरी खाए तो हम यहाँ रुके हैं पानी पूरी खाने तो सुम्बुल अटैक 30 सेकंड्स क्या कि कौन खाएगा ठीक है ये नहीं आई लाइक चैलेंजेस ओके I'm enjoying my food. I don't care. हार गई. I'm enjoying it. सुनो तो तूने क्या बोला? देखते हैं कौन जीतता है. So? बुरा नहीं तो देख लिया कौन जीता. But then I really liked it and I started enjoying it. I enjoyed it. I won. You did not enjoy. You inhaled it. I won. Okay. Khatam. Okay. But वो ball मारने वाले में मैं जीत गया. खत्म हो गया चैलेंज चलो ठीक है एंजॉय करो तो भाई तैयार हो जाइए सुम्बुल और मिश्कत को काव्या और अधिराज के किरदारों में देखने के लिए और उम्मीद है कि ये दोनों
आपका दिल जीतने में कामयाब रहे। कानपुर और लखनऊ से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।